आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के सौढ़ारों में संचालित डामर प्लांट में शनिवार की शाम अचानक से ब्लास्ट हो गया। प्लांट में हुए ब्लास्ट के दौरान एक व्यक्ति लापता हो गया तो वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया गया है। घायल को गुना अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो वहीं प्लांट गर्म होने के कारण लापता व्यक्ति की तलाश में सर्चिंग नहीं की जा सकी है। जानकारी के अनुसार साढ़ौरा मंडी से 1 किलोमीटर दूर डामर बनाने का प्लांट है, जहां कई वर्षों से यहां डामर बनाने का काम किया जा रहा था। बताया गया कि शनिवार की शाम करीब 6 बजे प्लांट में तेज ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि पूरे साढ़ौरा इलाके में इसकी गूंज सुनाई दी। धमाके के काफी देर तक प्लांट से भारी मात्रा में काला धुआं आसमान में उठता रहा। वहां काम कर रहे मजदूर भी ब्लास्ट की चपेट में आ गए, जिस दौरान एक व्यक्ति धमाके से गिरकर घायल हो गया तो वहीं एक व्यक्ति प्लांट में ही अंदर दबा रह गया। हालांकि प्लांट में ब्लास्ट किन कारणों से हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर प्रशासन इस बात की जानकारी जुटा रहा है कि यह प्लांट कब से संचालित हो रहा था और यहाँ नियमों का पालन हो रहा था या फिर नहीं।